अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल दिस इज दिवानशो अलाउद एन यो वॉचिंग लाइफ इज़ ऑसम यूट्यूब चैनल शाम का वक्त हो चला है मेरे ख्याल में अंदाज़न समझें आप आठ बज रहे हैं ठीक है हम हैं सेक्टर सात रामफल चौक द्वारका नई दिल्ली ये सामने आप देख सकते हैं नज़ीर फूड्स अब इसे नज़ीर पढ़ेंगे या नाज़ीर पढ़ेंगे मेरे ख्याल में नज़ीर पढ़ेंगे एन ए जेड डबल R आर नज़ीर फूड्स तो आइए अंदर यहाँ चलते हैं ये हाल फिलहाल में तीन महीने पहले जुलाई में जो इनके मैनेजर साहब थे जहाँ मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था मैंने उनसे पूछ रहा था कि कितना समय हो गया इस जगह को खुले हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि जुलाई में तो जुलाई यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर हाँ तीन महीने हो गए हैं पूरे के पूरे इनका अंदर का इंटीरियर अच्छा है एज अ जैसे कि कैफ़े वैफे होते हैं ना उस तरीके का खूबसूरत इंटीरियर है खाने के मेन्यू आइटम्स भी मैं आपको दिखाता हूँ रेट्स भी रीज़नेबल है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है बाकी जो है यहाँ पर हमने क्या ऑर्डर किया तो मेरी मम्मी अभी आई हुई थी साथ में तो उन्होंने कहा कि नॉनवेज खाने का दिल है तो फिर मेरे दिमाग में मैंने इसको लिस्ट में डाला हुआ था कि यहाँ पे जाना है फिर मैंने इसको प्रायोरिटी पे कर दिया नीचे से मैंने उठा के इसको ऊपर की लिस्ट में डाल दिया कि एक काम करते हैं आज यहाँ चला जाए क्योंकि वाइफ के साथ जाना होता तो फिर मैंने तो यहाँ रोल्स वोल्स ही खाने थे वेज रोल्स फिर मम्मी के साथ था तो मैंने सोचा कुछ बिरयानी ट्राई करते हैं कुछ वेज बिरयानी वगैरह तो ये पहले आप इंटीरियर देखें इनका खूबसूरत इंटीरियर है ये ऊपर इस तरीके से लाइटिंग है पूरा येलो येलो फ्रेम से मैं बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये जो है नज़ीर नसीर या नज़ीर सॉरी इनके ना खुद के मसाले भी ये बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ सामने ना इन्होंने सामने रखे हुए थे एक इनका प्रचार के लिए इनके प्रमोशन के लिए ये हैंड वॉश सेक्शन है यहाँ पे खाने के बाद आप अपना हाथ हाथ धो लें खाने के बाद मैंने मेरे को हाथ धोने थे एक्चुअली टिश्यू पेपर से वो मज़ा नहीं आता एक तसली सुकून नहीं होता तो मैं भूल गया अभी वीडियो बना रहा हूँ अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ ये देखें ये माले हैं ये क्या क्या लिखा हुआ देखें निहारी मसाला बिरयानी मसाला स्ट्यू मसाला ये स्ट्यू क्या होता है इसका बाद में मीनिंग निकालूंगा स्ट्यू मसाला क्या होता है ये बिरयानी मसाला हो गया ये निहारी मसाला हो गया निहारी भी खानी है मेरे को ज़माने हुए कॉलेज के दिनों में खाया करता था मैं लेकिन उस समय उतनी समझ नहीं थी तो ये चाट मसाला देखें फिर स्ट्यू मसाला आ गया फिर बिरयानी मसाला कौरमा कोरमा मसाला तो ये जो नज़ीर फूड्स है इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि ये ओनर साहब थे इन्होंने कब इसको शुरुआत करी इस चीज़ें ये सारी चीज़ें तो इसकी गूगल मैप पे भी तस्वीरें हैं आप चाहें तो आने से पहले अगर आप देखना चाहेंगे किस तरीके से बाकी आइए मैं मेन्यू दिखाता हूँ आपको इनका मेन अट्रैक्शन ये है देखें ये है बिरयानी मील नाइन्टी नाइन रुपीज़ का पड़ेगा सौ रुपये एक बंदे के लिए पड़ता है जिसमें एक पीस ही होता है वो आ, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं बहुत भूख लगी हुई है आपको तब तो खैर वो सफिशेंट नहीं है बाकी अगर आप थोड़ा ट्राई करना चाह रहे हैं ये देखें इस पैम्पलेट पर फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं इंक्वायरी के लिए और कम्प्लीट एड्रेस दिया हुआ है बाकी दाल मखनी मील है ठीक है बर्गर मील हो गया और तवा चिकन मील हो गया बाकी ये सारे डिटेल के मेन्यू में आपको दिखाता हूँ ये देखिए तंदूरी स्नैक्स हो गया बिरयानी हो गया वेज बिरयानी टू नाइन्टी नाइन नाएं की है ठीक है ये रोल्स वगैरह हो गए मुगलाई बर्गर हो गया मेरे साथ में वाइफ भी हैं वो वेजिटेरियन है तो उनके लिए हमने पनीर टिक्का रोल हो गया बाद में फ़्राइड स्नैक्स हो गए मेन कोर्स हो गया डेजर्ट में खीर वगैरह भी थी सेवेंटी रुपीज़ की तो जो भी आप खाना चाहें बाकी अगर लेट नाइट आ रहे हैं दिल कर रहा है कुछ हल्का सा मुँह मीठा किया जाए तो डेज़र्ट में खीर वगैरह थी एक दो दो या तीन आइटम्स थे टोटल मीठे में ना तो आप वो खा सकते हैं ये मेरी फैमिली बैठी हुई है मम्मा बैठी हुई हैं जियाना बैठी हुई हैं जियाना की मम्मा बैठी हुई हैं ये देखो जियाना को क्या कर रहा है सारी चीज़ें अपने इकट्ठा कर रखी है इसने सारे क्यू आर कोड और यहाँ पर बैठ के अपनी मम्मी की जान खा रही है अभी छोटा सा प्यारा बच्चा ये हमारा खाना आ गया ये जैसा मैं कह रहा था नाइन्टी नाइन वाला चिकन वाला जो मील है वो हमने ऑर्डर किए हमें दो ऑर्डर किए एक मेरे लिए एक मम्मी के लिए अब इसमें चिकन नहीं दिख रहा तो मैं एक और दोबारा से वीडियो शूट करके ये देखें आप इसमें ये जो चिकन है ना वन आप बोलेंगे चिकन मील है लेकिन उसमें चिकन तो दिख ही नहीं रहा तो इस प्रकार से ये मम्मी की पीस में था और ये जो हो गया ये पनीर टिक्का रोल हो गया ये मेरी वाइफ के लिए वेजिटेरियन वाला आइटम हो गया ये मैं भी अपने हाथ से फिंगर से आपको दिखा दूँ जरा ये देखें आप ये चिकन लेग पीस है मम्मी के पास दूसरा पीस था मेरे पास ये वाला पीस आया हुआ है तो हम लोग खा रहे हैं और साथ में फिर ये कोल्ड ड्रिंक आई हुई है मील के साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक है यही टू फिफ्टी एम एल कोको कोला शोको कोला पिया जाए और जो है मन मज़ा लिया जाए